हाँ जी अभी हूँ साडा खाना असी खान लगे हैं दाल जी मुझे नाल है दाल भी पाई अगर टेस्टी बनी हो ना तो वह गोश्त में पिछे कर दी मोहम्मद कितनी डालो बस 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 बहुत है बहुत है बस वही बोल दे सर डेथ रखते ऐसे रोटी तो यह तुम्हारी थाली फर्स्ट टाइम हम अगला था दाल देना चावल नहीं चलो कल खाए थे ना चावल कल खाए थे चावल नहीं तो मैंने आज बोला ना चावल ही बनाओ अम्मा चावल ही बना मैं शुक्र किया कि आखिया नहीं सुखिया ग्लास में पानी डालो रोटी
हाँ पौना पौना रोट सालन च लगन लगा मम्मा ये नीचे उसके अंदर ही रख दो बिस्मिल्लाह सुबह ड्यूटी शुरू दो दिन की छुट्टियां आती हैं चले भी जाती हैं और भी जबे नहीं ना एक दिन की छुट्टी होंगी तेरी सैटरडे संडे जब हमारा बिजी सीजन होता है एक दिन भी छुट्टी नहीं होती हमें प्रोग्राम दाल दा दाल जड़ी निब्बे नाल है भी शुरू दिन सिंह की सियासत इसी तरीके से बनी नून लीग की जब बेनजीर का टाइम होता उसको भी लोग जलील करते हैं जरदारी को उन्होंने जबान काटनी है सब कुछ करके फिर मैं आऊंगा जहाँ पर इसको लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलता है वहां से भाग जाता था इंसान गुजल कौन गुजल है मेरी रोटी वाशली कदे भी नहीं मैदान च रहा हूँ चार साल बाद आया गवर्नमेंट मिल गई तो ठीक है रहेगा इदा शबरातां बाहर करेगा ना गवर्नमेंट मिली तो फिर वापस अपने भाई शहर लंदन लंदन कहते हो नवाशरी को ऐसा पहला बंदा है जो कमाने पाकिस्तान आता है खाने बाहर जाता है आवाम में शौर नहीं ना फिर तोड़ तोड़ के इमरान खान के बंदे उसकी जमात में लेकर जा रहे अलीम खान की जमात में किस कदर जुल्म कर रहे हैं पे हाँ अंदर नहीं यजीद है बड़ा कड़ा यजीद होगा
अली का कॉलोनी में कुफर का निजाम चल सकता, जुल्म का नहीं चल सकता। ये जुल्म का निजाम शुरू हो गया पाकिस्तान में। कभी भी आप देखना ऐसा इसने पलटा खाना है निजाम ने, जैसे श्रीलंका में खाया, दूसरे मुल्कों में खाया ना सिस्टम ने। कोई मर्द नजायज आया ना आर्मी च, आर्मी चीफ वो कर सकता। जुलम ना करे लेकिन वेखे उन्हें इंतहार कर दी। इमरान खान को जेल में रख दिए जैसे मुल्क छोड़ के भाग रहा था। कोई नहीं पाएंगे सब पाकिस्तान से ना, अल्लाह ही रखे, अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। अल्लाह तो हाफिज है अम्मा, लेकिन अल्लाह भी फिर जुल्म का साथ इन देता नहीं देता ना। पाकिस्तान तो सिर्फ 75 साल हुए हैं, पाकिस्तान से पहले कितनी रियासतें इस्लामिया इस्लामिक एम्पायर आ चुकी है। सल्तनत उस्मानिया जी थी वो भी ऐसे तरह तबाह हुई थी, इस तरह तबाह हुई थी। उनके आखिरी के 15-20 सालों में बहुत जुल्म बढ़ बढ़ गया था, वही ना खत्म। वो खिलाफत थी, इस्लाम के नाम पे चलते थे वो लोग, इस्लामी कानून होते थे उनके। पाकिस्तान कौन से इस्लामी कानून है? कोई भी नहीं। इस्लाम के नाम पे चलते हैं पाकिस्तान, कुछ भी नहीं। बस आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट लाइन है वो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसके बाद सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो ब्रिटिश राज के ऊपर है। कहीं ना कहीं से उनकी जो प्रेसिडेंट है आपको जाके उस दौर में 1936 के जो आईन बना था ब्रिटिश यूनाइटेड, क्या उसको बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पर कुछ ऐसा आईन बना था 36 में ब्रिटिश राज ने बनाया था हिंदुस्तान गवर्न करने के लिए। उसके साथ जाके मिलते हैं रूट्स आपके सारे अकॉर्डिंग। पता कि मैं सुकनस्तमानिया चे विचे ने जिस वक्त उन्होंने किसी हाकम के खिलाफ करना होता सी ना ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਲੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਪਰ ਪੇ ਛਾਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖ਼ਤ ਉਤਾਰੇ ਹੈ ਨਾ उसके लिए इनको लिए फतवा लेना जरूरी होता था कि इस्लाम के आइन के मुताबिक हुकूमत नहीं कर रहा, इस वजह से अवाम की खैर वाफियत नहीं है कि बादशाह उतर गया। तो वो क्या करते थे जो बागी होते थे, अपनी मर्जी का शेखुल इस्लाम ले आना उन्होंने अपनी मर्जी उसको, क्योंकि इस्लामी मुल्ले सारे होते थे सारे, जैसे फजलुर रहमान जैसे मुल्ले हो गए, खादिम जैसे मुल्ले हो गए, उनकी तरह के मुल्ले होते थे वो, और वो आके उन्होंने अपने एक फतवा दे देना, वो फतवा लेके बागियों ने चले जाना महल पर, बादशाह को उतार देना तख्त से। फिर उन्होंने जो काजी होंगे सर जो गलत फतवा देंगे सर उन्होंने भी अंजाम बुरा होंगे, इबरतनाक अंजाम होंगे उन्होंने भी पानी। लेकिन साड़ी है कोई समझते नहीं, कोई पता नहीं है किस टोप। बस उसके बाद जो नया बादशाह था ना
वो पुराने बादशाह भाई का होता था, उसका उमन या कजन होता था, उसको कतल करता था। उज्जैन जिन ने सपोर्ट किया होता था ना उसको तख्त से उतारने के लिए, उनको कतल करता था। उन्होंने कतल खाता से बिल्कुल से बड़े बड़े एक दो को रखता था वो जो मेन उसके होते थे प्लेयर, बाकी छोटों को सब कतल करा देता था वो। सुबह उठी तो दिल करता न्यूज लाओ कि देखो कि तो न्यूज लाने तो भी दिल नहीं करना, सब चैनलों इन्होंने पैसा लाया। मरियम नवाजी गले लग रही है, नवाज शरीफ क्यों रो रही है, अरे नवाज शरीफ रो रहा है, शहबाज शरीफ रो रहे हैं, मरियम औरंगजेब रो रहे हैं, सारे वो इमोशनल कर रहे हैं। वीडियो उन्होंने किसे कर लिया सी, अपनी मर्जी ने गया। इस लेवल की मास माइग्रेशन हो रही है पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में, इसको था ही नहीं है। आपके सारे स्किल्ड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सारे आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, आईटी सेक्टर आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं जी, नहीं रह सकते हम यहाँ पर। जो है सो है, उन्होंने 20 साल बाद बूढ़े हो जाना है, नई फोर्स ने यहाँ पर रहना ही नहीं है, पूछे मुल्क का क्या रहेगा।